नमस्कार दोस्तों, अगर आप भिवानी की सियासत को बड़े गौर से देखें और उसके इतिहास के पन्नों को अगर पलटना शुरू करें तो चौधरी बंसीलाल और के बाद अगर किसी राजनेता का बहुत लंबी राजनीति में नाम आता है तो वो चौधरी जगन्नाथ का नाम आता है। एक दलित परिवार में पैदा होकर उन्होंने राजनीति की वो जो सीढ़ियाँ चढ़ी उसकी जो शुरुआत थी वो छात्र राजनीति से रही है। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता होगा कि हरियाणा में जो शुरुआत के छात्र नेता थे उनमें से चौधरी जगन्नाथ एक थे। वो अपनी हॉकी टीम के कैप्टन रहे हैं। इसरवाल गांव में जन्म लिया था उन्होंने और कई बार वो मंत्री रहे और 5 बार वो विधायक भी रहे। और तोसाम हल्के से जिससे चौधरी बंसीलाल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की वो उस जनरल सीट पर दलित घर में पैदा होने के बावजूद जनरल सीट पर वो विधायक बने थे। तो आज उनके बेटे चौधरी जी जगन्नाथ के बेटे चौधरी जितेंद्र नाथ जी हमारे साथ हैं और इन्होंने अपने पिताजी के साथ बहुत लंबा राजनीतिक दौर देखा है। तो आज चौधरी जगन्नाथ के जीवन के पन्नों की जानकारी हम चौधरी जितेंद्र सिंह के लेंगे। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, चौधरी जगन्नाथ जी हमारे हल्के के कई बार विधायक रहे। भवानी खेड़ा हल्के में हमारा गाँव आता था कुंवारी, तो मेरा ये सौभाग्य भी है कि बचपन में मैं कई बार उनसे मिला हूँ। तो आप सबसे पहले दर्शकों को ये बताइए कि उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड था उसमें कैसे वो फिर छात्र राजनीति से जुड़े। वो प्राइमरी शिक्षा जो थी उन्होंने गांव में प्राप्त की, गांव इसरवाल में, और उसके बाद 6, 7, 8 बापोड़ा गांव में पढ़े। वो 8 के बाद डीएन स्कूल हिसार, जो जाट स्कूल था, उसमें एडमिशन लिया। अच्छा। और वहाँ पर एडमिशन लेकर के उन्होंने अपने छात्र जीवन की शुरुआत की तथा वहाँ पे हॉकी टीम में शामिल भी हुए। अच्छा। हाँ जी, हॉकी खेलते थे। हॉकी खेलते थे वो, हॉकी, फुटबॉल, एथलेटिक्स सभी खेलते थे वो। तो वहाँ से जब कॉलेज में गए तो कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर उस हॉकी टीम के कैप्टन रहे। वहाँ पे जितने भी छात्र थे उन्होंने उन्हें स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी बनाया है वहाँ पे। अच्छा। वो 1958 में, 1958 के बाद फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, जब ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ में एडमिशन लिया जी। और लॉ में एडमिशन लेने के बाद फिर उन्होंने 1961-60 में मन बनाया कि भाई तो शाम से चुनाव लड़ना है। फिर उन्होंने तैयारी शुरू की बस। अच्छा। सभी लोगों से संपर्क किया और 1962 में फार्म भरा, चुनाव लड़ा। चुनाव भी वो लड़ा था जो ऊँटों पे, चुनाव ऊँटों पे लड़ा था जी। उस टाइम को सड़क जनरल सीट थी ना, वैसे जनरल सीट थी। लोहारू पूरा, जो आज का लोहारू हल्का है और आज का तोशाम हल्का, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी था तोशाम। अच्छा। हाँ जी, उसमें 13 कैंडिडेट थे। अच्छा। और 13 के 13 सीरियस कैंडिडेट थे। सभी ने तो किसी ने कहा नहीं कि जनरल सीट पे आप आ रहे हो। हाँ, बहुत ऐसी बातें चली थी। तो उस वक्त उम्र, जिस टाइम चुनाव डिक्लेयर हुआ, जब फॉर्म भरा था उस टाइम उम्र थी उनकी करीब 25 साल 20 दिन। अच्छा अच्छा, तो मतलब फ्रेश ग्रेजुएट थे वो तो। जी जी। तो वो फिर विधानसभा में चुने गए। तो वहाँ पे पंजाब चंडीगढ़ में फिर इलाके की लड़ाई लड़ी उन्होंने। और तो उसी जब 62 में वो विधायक बन गए तो ऊँटों पे चुनाव प्रचार किया। पैसे वैसे तो होंगे नहीं उस समय उनके पास। नहीं नहीं, पैसे तो नहीं थे कुछ। पारिवारिक बैकग्राउंड भी बहुत मजबूत नहीं रहा। नहीं नहीं, पारिवारिक बैकग्राउंड कुछ नहीं, बस इतना था अपना घर। वो मेरे दादाजी तो जब वो 7th में थे तब गुजर गए थे। अच्छा। बाकी उनके भाई थे जो ताऊ जी और हमारे थे, उन्होंने उनको पढ़ाया। दादाजी की हमारी इच्छा यही थी कि उनको पढ़ाएं हम। तो 62 में MLA बनने के बाद जिस राजनीतिक व्यक्ति से उनका जुड़ा हुआ वो शायद चौधरी देवीलाल रहे होंगे। हाँ, चौधरीलाल के वो जब स्टूडेंट 57 में चुनाव लड़ा था चौधरीलाल ने फतेहाबाद से, तब वो बतौर छात्र स्टूडेंट्स भी गए थे वहाँ, मदद करके आए थे उस टाइम। अच्छा। फतेहाबाद निर्दलीय चुनाव, निर्दलीय चुनाव के अंदर। तो बाद में फिर उनके साथ जुड़ा हुआ चौधरीलाल के साथ। वो फिर 1978 तक लगातार साथ रहे। अच्छा। और सबसे जो उनका जो टाइम था, चौधरीलाल उनको अपना बेटा मानते थे। राजनीतिक जो विरासत जिसको कह सकते हैं तो वो वही थे, बाकी तो बायोलॉजिकल है। अच्छा। तो उस समय की एक सबसे बड़ी प्रमुख घटना थी प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ एक एफिडेविट देना। जी जी। तो क्या वो क्या रहा था उस, क्योंकि प्रताप सिंह कैरो बहुत बड़े दबंग नेता थे और उनके खिलाफ जो दास कमीशन बैठा था उसमें एफिडेविट देने वाले चौधरी जगन्नाथ थे। प्रताप सिंह कैरो के परिवार ने भ्रष्टाचार किया था काफी, उनका बेटा था सुरेंद्र वगैरह जो, और वो 29 के करीब उन पे आरोप लगे थे। हाँ। तब गांव में दास, SR दास, जस्टिस SR दास कमीशन बिठाए गए थे उनकी जांच के लिए। हाँ, जांच के लिए जी। जी। और उसमें, उस कमीशन में फिर इन्होंने एफिडेविट दिया था प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ कि इन लड़कों ने परिवार ने भ्रष्टाचार किया है।
तो ऐसे ऐसे एविडेंसेस जब सामने आए तो उसमें से काफ़ी जो आरोप थे वो सिद्ध हो गए थे जी। तो जिसकी वजह से 1964 में प्रताप सिंह कैरो विधानसभा को विधानसभा में माफ़ी मांगकर और रिज़ाइन करना पड़ा अपने सीएम सीट से। तो ताउम्र वो हमेशा ईमानदारी की राजनीति की, उन्होंने कभी कोई संपत्ति अर्जित नहीं करी और यार दोस्तों में रहे अपने ज़िंदगी जी उन्होंने। अच्छा, तो फिर वो 62 के बाद वो शिफ्ट हो गए भवानीखेड़ा हल्के में, क्योंकि ये रिजर्व हल्का था। तो यहाँ से पहला चुनाव कब लड़ा उन्होंने? 1967 में। 67 में जब हरियाणा बन गया था उसके बाद 1967 तो में। जो राव बीरेंद्र सिंह की सरकार को तोड़ा, पहले बनाया चौधरी देवीलाल ने, हाँ, फिर तोड़ा, मंत्री बने, 11 महीने मंत्री रहे। अच्छा, पहली बार मतलब तब अवसर मिला उनको मंत्री बनने का जी। तो उसके बाद वो फिर 4 बार और भवानीखेड़ा से विधायक, फिर बने 1977 में बने, फिर 1987 में, 1996 में, 96 में जी। तो उनका उन्होंने अगर हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बात करें तो चौधरी देवीलाल के साथ काम किया, हाँ, चौधरी भजनलाल के साथ काम किया जी, और चौधरी बंसीलाल के साथ, राव वीरेंद्र जी के साथ, और राव वीरेंद्र, मतलब 4 मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने, हाँ, बाकी काम किया। जो गुप्ता ने इनके साथ भी किया, हाँ, इनके साथ भी। अच्छा, दादरी से थे, मास्टर कम सिंह जी थे उस सरकार में भी वो मंत्री थे। अच्छा, चौधरी जगन्नाथ की जो काम करने की जो शैली थी, बताते हैं कि वो एक हार्ड कोर पॉलिटिशियन थे और अधिकारियों से काम उनको लेना आता था। कोई ऐसा प्रसंग आपको याद है जब उन्होंने ऐसे अधिकारियों के साथ इस तरह का उनका टैकल कैसे करते थे वो उनको, क्योंकि उनके उदाहरण दिए जाते हैं कि वो अधिकारी उनकी बात को मना नहीं कर पाते थे। वो पहले कोई भी विषय जो उनके सामने होता था उसको पूरा गंभीरता से स्टडी कर लेते थे। अच्छा। और रिसर्च करते थे उस पर, ताकि जब कोई अधिकारी उनको ब्लफ करने की कोशिश करता था, बहकाने की कोशिश करता था, इधर उधर की बातें करता, तब उसको दरपते थे वो, चाहे वो IAS अफसर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे कोई हो, तो उनको मिसगाइड और मिसलीड नहीं कर सकता था कोई। अच्छा अच्छा, मिसलीड। तो दिस वाज द रीज़न, उनको यही पता होता था कि पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ पे लगना है और कैसे इसकी मंजूर हो सकती है। सड़कों पे काफ़ी काम किया, जबकि 1962 में, हाँ, यस, सड़कों पे बहुत ज़्यादा काम किया। सड़कों पे 1962 में जब वो विधायक बने तब ये हिसार से जुप्पा रोड बनाया, बहल से तोशाम रोड, लोहारू से शिवानी रोड, ये सारी सड़कें उस टाइम बनाई उन्होंने, बीइंग अपोजिशन में होते हुए भी बनवाई। बाद में जिस तरह भवानीखेड़ा के अंदर जब नहर सड़कों की बात आई तो 1970 में तो बहुत कम, 1970 में तो बहुत रिसोर्सेज कम थे, उसके बावजूद नलोई से लेके और सोरखी तक करीब एक बीचों बीच, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बीचों बीच एक सड़क निकाली पूरी बड़ी, जो आज भी स्टेट हाईवे बन चुका है जो, तो उससे पूरा हल्का जो था दोनों तरफ जो जुड़ गया फिर दोनों तरफ से। और जब वो लास्ट में जब एक्सपायर हुए, उस लास्ट जो उनकी टर्म थी, उस वक्त तक भवानीखेड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी का हर गांव कम से कम 2 या 3 सड़कों से जुड़ चुका। वो चौटाला सरकार में मंत्री रहे, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और खट्टर साहब को छोड़ के, वो तो वो बाद में ही बने हैं ना, उनकी डेथ के बाद बने, सबके साथ काम किया उन्होंने, हुड्डा साहब डेथ के बाद बने हैं। तो वो फिर जो ये भवानीखेड़ा का जो था उसमें तो ये योगदान था उनका सारा। और चौधरी जगन्नाथ जी के जीवन के बारे में ये कुछ बातें थी। और अगर आप जितेंद्र जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर स्क्रीन पे दे दूंगा, आप जी जी चौधरी जगन्नाथ से संबंधित कोई सवाल हो तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और जितेंद्र जी से मैं निकाला, इसके लिए आपके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, हमारी तरफ से शुक्रिया।